पेंडल के ठीक बैनर के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर बनाया जा रहा है राजस्थान का उम्मेद भवन। बैक में थोड़ा सा सिर्फ शिखर दिख रहा है और यहाँ से आगे की साइड जाना है। सो हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम प्रियांशु एंड वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग, ब्लॉग ऑफ बारह सौ काली पूजा टॉप पैंडल्स। और इन टॉप पैंडल की लिस्ट में ना मैं, मतलब आप पहले वीडियोस देख चुके होंगे कि मैं कंटिन्यू वीडियोस डाल रहा हूँ बारह सौ काली पूजा को लेकर, क्योंकि मैं एक दिन यहाँ आया था और कंटिन्यू जितनी पैंडल्स को कवर कर पाया वो आप लोगों के लिए मैं कवर करके रखा था। अब जिस पैंडल के सामने ठीक अभी मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ पर बनाया जा रहा है कैलाश मानसरोवर। हाँ, बन रहा है कैलाश पर्वत, मतलब बारह सात काली पूजा 2024 में, लेकिन उसकी एक अलग वीडियो आएगी। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ जिस पांडाल के बारे में ना, आप बारह सात में काली पूजा घूमने जाओगे और आप पहुँच जाओगे, यार मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, जिस लोकेशन के बारे में बातें करने वाला हूँ वो है राजस्थान के मतलब में लोकेटेड उम्मेद भवन बनाया जा रहा है। पालता दुर्गा पूजा 2023 में जहाँ तक मुझे याद है ये उम्मेद भवन बनाया गया था और बहुत ही खासा लाइट्स के साथ और पैंडल को बहुत ही अच्छा खासा डेकोरेट करा गया था, प्लाईवुड की काम से लेके कपड़ों के काम और इंटीरियर जितना खास रखा गया था ना, वो उस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत बनी थी, ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। और इस बार बारासात काली पूजा 2024 में पैंडल की लिस्ट में एक चार चांद लगाने वाले पैंडल का नाम रहा है थीम का, वो है उम्मेद भवन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि पैंडल बनाया जा रहा है केएनसी रेजिमेंट क्लब के द्वारा, जो कि बारह सात में लोकेटेड है। गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इजीली चेक करके आप पैंडल के पास पहुंच सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बारह सात में काली पूजा पैंडल को लेके ना इतना ज़्यादा मैंने मतलब घूम लिया, लगभग 10 से 12 किलोमीटर हम लोगों ने पैदल मतलब भ्रमण करा है पूरा बारह सात का। और अभी जिस पैंडल के सामने खड़ा हूँ वो पैंडल पालता दुर्गा पूजा 2023 में बनाया गया था। आपको अगर याद हो या ना हो, बट वहाँ पर दुर्गा पूजा में ना बनाया गया था राजस्थान का उम्मेद भवन, और ठीक काली पूजा 2024 में बारह सात में बनाया जा रहा है वही सेम पैंडल। बट इस बार कुछ लुक थोड़ा अलग हो, शायद थोड़ा कलर्स अलग हो, चूँकि मैं पैंडल की कुछ बातें बताऊँ आपको, सामने की साइड से थोड़ा सा अलग ही है, मतलब इंटरफेस ना अलग ही है पालता वाले दुर्गा पूजा पैंडल के सामने से। और अभी चौड़ाई आपको, मैं लंबाई अगर बात करूँ तो मुझे लगभग 40 से 45 फुट की ऊंचाई दिख रही होगी, और चौड़ाई अगर बात करूँ तो 50 से 60 फुट की दिख रही है। अगर पैंडल के रिलेटेड कुछ बातें करूँ तो यहाँ पर चीज़ें अलग इसलिए लग रही है क्योंकि वहाँ पर आगे से जो इंटरफेस करा गया था वो थोड़ा अलग कलर का रखा गया था, बट इस बार कलर देखो, यहाँ पर जो पैंडल क्रिएट करा जा रहा है इस पर चीता टाइप की, मतलब अलग ही प्लाईवुड की कलर जो होती है ना, गेट्स की कलर जो घरों में दरवाजे लगे होते हैं, वैसे कुछ कलर क्रिएट करी जा रही है अंदर में, लेकिन सेम वही करा जा रहा है, सेम एकदम। अगली बार मैं वहाँ पर जब गया था तो सेम यही पैंडल का इंटीरियर देखने को मिला था और यहाँ पर भी सेम वही देखने को मिला। भीतर में वहाँ पर झूमर लगाया गया था, शायद यहाँ भी लगाया, बस यहाँ पर क्या चेंज करा जाए, बाहर का इंटरफेस जो है वहाँ पर चेंज करा जा रहा है। देखो अब देखो, सामने से गोल्डन बॉर्डरिंग करी जा रही है, जो गोल्ड ये सब चीज़ें होती है साइड से एम्ब्रॉयडरिंग करी जा रही है, और ये इनको ना ये प्लाईवुड की चीज़ें हैं, प्लाईवुड को कलर करके इस पर पतली पतली एकदम इतनी पतली सी नेल के बराबर पतली पतली सी चीज़ें हैं, इन पर कलर करी जा रही हैं। पैंडल का काम बहुत ही ज़्यादा आगे हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये पैंडल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, क्रिएट करा जा रहा है और ऐसे बीट्स बना के उस पर प्लाईवुड को लगाई जा रही है। हाँ, पैंडल सामने की साइड से ना कुछ ऐसा दिख रहा है जैसा कि मैंने बाहर से दिखा है, बट इंटीरियर कुछ गजब का है। अगली बार भी मैं देखा था ना, तो अगली बार यहाँ पर मेरे को देखने को मिला था शीश महल इंटीरियर की साइड में, और इस बार भी मैं देखता हूँ कि इंटीरियर कैसा करा गया है। देखो आप साइड साइड से पिलर्स, मतलब जो डेकोरेशन के लिए रखी गई है वो सारी पिलर्स यहाँ पर पड़े हुई है जो कि अंदर डेकोरेट के लिए लगाई जाएंगी। और अंदर में चलो दिखाता हूँ शीश महल कैसा दिख रहा है। देखो जैसे हम एंट्री करते हैं, एंट्री गेट तो वो वाला है सामने की साइड से, बट काम के कारण वहाँ पर ब्लॉक करा गया है और एग्जिट गेट दोनों साइड होने वाली है। और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, अब देखो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई थी, ये बॉर्डरिंग बाहर में रखी हुई थी, ये बॉर्डरिंग मैंने जो बाहर में आपको दिखाई, ये सारी चीज़ें पैंडल के ऊपर जाएगी, ये इंटीरियर की कुछ चीज़ें नहीं हैं। इंटीरियर की अब बात करूँ तो इंटीरियर आप ध्यान से देखो, टोटली ये पिंक फिनिशिंग, मतलब ऐसा करा गया जैसा शीश महल, टोटली कांचों का काम है, ये रियल मिरर्स हैं और इन्हें मतलब एक एक पेस्ट करा गया, चिपकाया गया। और देखो सारी की सारी मतलब इंटीरियर में ना, और हमें
कांच देखने को मिलती है, मिरर्स देखने को मिलती है। और ये मिरर्स का काम देखो कितना गजब का लगा जा। बीच में शायद मुझे जहाँ तक लगता है एक बहुत ही बड़ा झूमर यूज करा जाए, और जिसमें टोटली लाइट्स लगी हो, एलईडी बल्ब्स लगी होंगी या लैंप्स लगी होंगी, जिससे इस पैंडल की जो मिरर्स है ना बहुत ही ज़्यादा साइन करती है यार। मैंने जब 2023 में इस पैंडल को अंदर से देखा था, उस टाइम मुझे साइनिंग कर रही थी ना बहुत ही ज़्यादा कर रही थी गजब की। ये देखो इस पे भी थोड़ी थोड़ी मिरर पेस्ट हो रही है साइड में, जो ये साइड बॉर्डरिंग करी जा रही है मिरर से करी जा रही है। और इतनी सारी चीज़ें देखो आप ध्यान से कि बड़ी बड़ी इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि बाहर से लगाई जाएंगी, बाहर की गुंबदों पर लगाई जाएंगी। वो पैंडल जैसा बनाया जा रहा है वो देखने में उन्नत भवन कैसा लगता है वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और बनने के बाद यहाँ पर कैसा लगने वाला है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ये पैंडल पहले भी देख रखा है पालता दुर्गा पूजा 2023 में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी क्योंकि ये गर्भगृह है, और इसके पीछे भी थोड़ी मोड़ी कामें होती हैं, बैकग्राउंड को सजाया जाता है। सजाने के बाद मतलब दुर्गा माँ की प्रतिमा, मैं बोल रहा हूँ काली माँ की प्रतिमा यहाँ पर रखी जाने वाली है। यार दुर्गा पूजा की वीडियोस को कवर करते करते पैंडल्स को कवर करते वही आदत लग चुका है। और यहाँ पर गर्भगृह में माँ काली की प्रतिमा रखी जाएगी, इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड जरूर सजाया जाएगा, क्योंकि खाली तो रखा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगने वाला ऐसे। और ये रहा सामने की साइड में, आप देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इस साइड देखो ध्यान से, मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि कहाँ पर बन रहा है राजस्थान के ऊपर मैंने इस मिरर में, तो ये पूरा टोटली रिफ्लेक्ट होती है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन और जरूर दबाना, और हाँ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना जिनके साथ आप काली पूजा बारासात में घूमने जाने वाले हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।